हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है सांभर। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल लेंगे, जिसको मैंने एक घंटे के करीब भिंगो के रखा था। ये अरहर और मसूर की दाल है, एक कप के करीब। ठीक है, इसको मैंने इक्वल रेशियो में भिंगो के रखा हुआ है। और इसके अलावा मैंने लौकी ली हुई है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है। एक कटोरी है ये जितना। और मैंने कुछ टमाटर लिए हैं, मैंने उसको रफली ऐसे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। और प्याज भी लिया है एक मीडियम साइज़ का, इसको भी हम सांभर में डालेंगे। में जो मसाले जाएंगे उसमें हम पहले से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने एक थोड़े से छोटे से कटोरी में पानी ले लिया है, नॉर्मल है पानी, नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसमें सबसे पहले हम सांभर मसाला डालेंगे। मैंने डेढ़ बड़े चम्मच सांभर मसाला डाला है इसमें। और इसके अलावा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर ले इसे। और एक छोटा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लो। मैं पानी में इसको इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि आप जब डायरेक्ट इसको डालोगे, जैसे सांभर आप बना रहे हो कुकर में और ये सब मसाले डालोगे, तो उसमें लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, फिर उसको आप मिक्स नहीं कर पाओगे। तो आप पहले से ही सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लो और फिर सारी सब्ज़ियाँ डाल के ये मसाले उसमें चले जाएँगे। मैंने कुकर ले लिया है। सबसे पहले जो हमने दाल भिंगो के रखा था वो सारे हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हमने जो सब्ज़ियाँ कट के रखी थी वो हम डाल देंगे। इसमें मैंने लौकी डाल दिया है, बाकी जो सब्ज़ियाँ थी टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये एक गिलास के करीब है। आप इसमें डाल दें सारा। अब जो हमने एक मसाला तैयार करके रखा था इसको आप एक बार अच्छे से चला लें और ये सारे मसाले हम इसमें पोर कर देंगे। इन सबको अच्छे से एक बार चला लें, मिक्स कर लें और इसे हम बंद करके दो विसल आने तक इसे हम कुकर में पकाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में कुछ इमली के टुकड़े ले लिए हैं, इनको आप सोक करने के लिए रख दें पानी डाल के। जब तक दाल हो रहा है तब तक ये सोक हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट मोमेंट में हम ये इमली का पल्प सांभर में डालेंगे। जब तक सांभर हो रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम सरसों का तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे 3 छोटे चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। यहाँ पर गर्म हो गया है, अब सबसे पहले इसमें हम राई डालेंगे। ये 1 चम्मच के करीब है, आप इसे डाल दें। जैसे ये चटकने लगे तो गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर लें। अब उसके बाद एक हम लाल सूखी मिर्च डालेंगे इसमें, इसे एक बार चला लें। और इसके अलावा हम इसमें फ्रेश करी पत्ते का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास करी पत्ता फ्रेश नहीं है तो आप इसमें ड्राइड भी यूज़ कर सकते हो सूखा। इसे अच्छे से होने दो, एक दो बार से मिक्स कर लें। तड़का बनने के हमारा रेडी है। पर हमारा बन के रेडी है, अब इसको हम खोल के चेक करते हैं। देख सकते हो आप, दाल और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम मथनी से इसे थोड़ा सा मथेंगे ताकि दाल और जो सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ी एक बराबर हो जाएं। इसे अच्छे से मथ लें, इसे अच्छे से मथ लें। अब जो हमने इमली का पल्प रेडी करके रखा था वो मैंने उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। ये 4 बड़े चम्मच के करीब होगा, इसे आप इसमें डाल लें और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये सांभर बिल्कुल बन के रेडी है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे।
सांभर को हमने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, जो हमने तड़का रेडी करके रखा था वो आप इसमें डाल दें। सांभर को आप इडली, डोसा या उत्पम किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में, ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।